देखिए मूवी शो खत्म हो गया है और रात के बज गए 12:45 और हम लोग देखिए खुद शटर उठाना पड़ रहा है। हाँ, इनको शटर उठाना पड़ा। उनको शटर उठाने में बहुत मेहनत भी पड़ेगी और मजा भी आने वाली है। ये फील आ रहा है कि जैसे कि हम लोग दुकान बढ़ा के जा रहे थे। हेलो दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए व्लॉग में और आज देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी तगड़ी बारिश हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी मूवी मिस नहीं करते, हर एक मूवी का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो देखते हैं। तो आपके लिए मूवी का रिव्यू बनाने के लिए, क्योंकि मेरे शहर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो लाइगर का नहीं लगा, जिस वजह से मैं जा रहा हूँ अपनी मौसी के साथ। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं इनके साथ फर्स्ट मूवी फर्स्ट शो देखने जा रही हूँ, जो कि यहाँ कानपुर में नहीं है पर लखनऊ में है। तो हम दोनों ही लोग एंजॉय करना चाहते हैं और आपको भी एंजॉय कराना चाहते हैं। तो फिर हम दोनों ही लोग जा रहे हैं लाइगर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने लखनऊ, और उसके बाद वहाँ पर पहुँच के और रास्ते में जो बढ़िया चीजें होंगी वो दिखाते हुए आपको पहुँचेंगे लखनऊ, और वहाँ पर दिखाएंगे आपको किस मॉल में हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने और क्या रहेगा शो का टाइमिंग। मेरे हिसाब से 9:30 या 10 के आसपास का शो है, और उस शो को दिखाने के बाद आपको ऑनेस्ट रिव्यू जो इस चैनल पर मिलता है वो आपको कल मिलेगा, क्योंकि रात को मूवी होगी तो फिर रात में वीडियो नहीं बन पाएगा, तो नेक्स्ट डे आपको रिव्यू मिलेगा। ये है गंगा पुल, देखिए जाजमऊ का, और आप पूरा व्यू का नज़ारा लीजिए बढ़िया। हम लोग आराम से ऐसे ही आपको दिखाएंगे फर्स्ट हुए, और ये मौसी देखो ड्राइव कर रही हैं, और उस तरफ का भी व्यू आपको थोड़ा सा दिखा दें बिना ड्राइवर को डिस्टर्ब किए हुए बिना। और पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया ना मौसी, पानी लगता ज्यादा भर गया, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ ज्यादा आ गई, जिससे हमारे भाई बहन सभी परेशान भी हैं, और बारिश होना भी चाहिए लेकिन कुदरत की करिश्मा देखिए बारिश भी हो रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। टाइम हो चुका है 6:00 और हम लोग टाइम दिखाएंगे। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And I हम लोग निकल रहे हैं अब मूवी के लिए, और टाइम हो रहा है 9:30, मूवी है 10 की। चलिए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मौसी ड्राइव कर रही है, और आप बाहर का आपको सीन दिखाते हैं, बाहर कितनी भयंकर जो बारिश हो रही है, ऐसा लगता है बारिश और मेरा कनेक्शन। जब जब मूवी देखने जाते हैं तब तब बारिश होती है, आपने हमारे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा इससे पिछले, पर इस बार बारिश हो रही है पर इस बार भीगेंगे नहीं, मौसी की वजह से हम लोग बढ़िया मस्त कार में आराम से जा रहे हैं, जिस वजह से अब इस बार बारिश कितनी भी तेज हो कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग आराम से। अब इससे पहले हम लोग मॉर्निंग टाइम पे गए थे तब भी बारिश हुई थी, उससे भी पहले गए थे जब भी गए बारिश हुई है, तो बारिश और मूवी और हमारा तीनों लोगों का और आपका भी कनेक्शन कुछ एक साथ ही बैठ जाता है।
चलिए अब पहुंचते हैं सहारागंज मॉल, वहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसा है मॉल लखनऊ का, और उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचा तो मॉल दिखाएंगे, वरना डायरेक्ट मूवी हॉल के अंदर जाके। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन सा जो चल रहा है वो है अल्लो, अब ये हो गया रेड, तो ये जो रेड सा चल रहा है वो है लखनऊ का विधानसभा। अभी हम लोग आ रहे हैं, ब्लू हो गया, तो ये तो बढ़िया चीज है, क्यों वहां से फीचर्स कितने बढ़िया, कलर अब कितना डिसेंट कलर आया। ये देखिए रंग बिरंगी जो आप जगह देख रहे हैं जिसके कलर बार बार चेंज होते जा रहे हैं, ये है लखनऊ की विधानसभा, और आपको ये दिखाते हैं व्यू। अरे वाह, आप कुछ बता रही थी विधानसभा के बारे में। ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की शोभा है, और ये जो आप रंग बिरंगे देख रहे हैं इतना खूबसूरत कलरफुल किया है कि वाकई इस भव्य नजारे को देखने के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं। पर आप इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ की सुंदरता देख सकते हैं, हमारे विधानसभा की सुंदरता देख सकते हैं। ये हमारा आ गया है हजरतगंज चौराहा, आप देख सकते हैं। और हम लोग आ गए हैं सहारागंज मॉल, जहां हम लोग को मूवी है, और ये हमारी एंट्री हो रही है। पार्किंग कहाँ पे, यहीं पे। यहाँ का क्या व्यू आ रहा है, और इसके बाद अंदर से दिखाएंगे आपको पूरा जो जो खुला होगा। हम लोग चल रहे हैं नीचे पार्किंग में। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है, अभी टाइम है 15 मिनट है। पार्किंग बिल्कुल आप देख सकते हैं बढ़िया खाली पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग रात के समय पे आए हैं और मौसी को फोकस करने दीजिए ड्राइविंग में, हम लोग आपको पार्किंग दिखाते हैं। हम लोग आ गए सहारागंज मॉल, और अब आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। देखिए अब टाइम ज़्यादा है नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि मूवी का टाइम हो चुका है, तो आपको बाद में बंद सहारा मॉल दिखाएंगे, पर दिखाएंगे ज़रूर। जिस तरह से आपको जेड स्क्वायर दिखाया था कानपुर का बंद, उसी तरह से आपको सहारागंज भी दिखाएंगे। देखिए ये देखिए आप सहारागंज मॉल का व्यू, कुछ इस तरह से है, और हम लोग तब तक बनवा रहे हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे, और आ रहे, मेरा स्वीट कॉर्न हो गया तैयार। और दोस्तों मेरा स्वीट कॉर्न ये है, खा ले मूवी के अंदर पहुँच, खा ले और मूवी के अंदर पहुँच जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोगों ने ले ली है एंट्री, और ये देखिए यहाँ के PVR, जो कानपुर के PVR और यहाँ के PVR में थोड़ा सा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। इसमें से सारी मूवी देख ही चुके हैं, लाल सिंह चड्ढा, दोबारा, टॉकेट्री। यह फूड सेक्शन, और हम लोग की मूवी है ऑडी 3 में। यह देखनी है ब्रह्मास्त्र आके 9 तारीख को, आप तब तक यह व्यू देखिए। सिनेमा के लिए डायरेक्ट भी तो लिखते हैं, ऑडी 4 है, ऑडी 3 है यार, नहीं।
जी हैं, मिल गई ऑडिट की। चलिए चलते हेलो दोस्तों, हम लोगों ने लाइगर का फर्स्ट हाफ देख लिया। अब इंटरवल हुआ है तो हम लोग आए बाहर। तो मैंने जो फर्स्ट हाफ देखा तो मैं आप उसके बारे में बताता हूँ। तो लाइगर का जो फर्स्ट हाफ में जो कुछ बेस्ट सीन्स मुझे लगे उसमें सबसे पहला ये कि लाइगर का जो लाइगर करके जो हकलाता है वो सीन, वो चीज़ बड़ी प्यारी है। और जैसे कि एक्शन रोमांटिक और ड्रामा मूवी है तो इसमें ड्रामा तो भर भर के है, एक्शन भी बढ़िया है। और फर्स्ट हाफ जैसे ही ख़त्म हो रहा है इंटरवल, वहाँ पर एक सस्पेंस अच्छा छोड़ा है। अब वो सस्पेंस देखते क्लियर होने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है, क्या है वो पूरी स्टोरी बाद में बताएंगे। तब तक आप बताइए मौसी, आपको कैसा लगा? मैं यहाँ पे सो ही नहीं जा कर पा रही हूँ क्योंकि लड़के इतना पागल हो गए इस मूवी को देख के कि समझ ही नहीं आ रहा कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। बट इसमें सच में बहुत अच्छा, शुरुआत से लेके आप आखिर तक देखेंगे जो कि मैंने अभी इंटरवल के पहले देखा है, तो उसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, एक्टिंग भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। जो एक्टर है वो आ आ आ आ करके बोलते हैं और जो एक्ट्रेस है वो आ आ करके फिदा हो जाती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का और परफेक्ट जोड़ी है, बहुत अच्छा है। आप देखिए, आपको भी बहुत अच्छा। अब मैं आपको बता दूँ मौसी, लोग इतना क्यों वो शोर मचा रहे हैं, रीज़न ये है, देखिए अभी भी शोर आ रहा है लड़कों का। उसका रीज़न ये है कि आप सब जानते होंगे विजय देवगंडा, उनकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे पहले ऐसे साउथ एक्ट्रेस जिन्होंने 10 मिलियन पार किया हो। विजय देवगंडा मौसी ने पहली बार देखा, पर वो हीरो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इस लाइगर मूवी को देखने के बाद ऑल ओवर पैन इंडिया विजय देवगंडा को जानेगा। चलिए मिलते हैं पूरी इस मूवी देखने के बाद, कैसी लगी क्या लगी वो भी बताएंगे। और मौसी का एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छे से मूवी को एंजॉय किया। मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग देख के आए लाइगर मूवी, और लाइगर मूवी बस देख कर बस निकले हैं। और स्टोरी ठीक ठाक थी, पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विजय देवगंडा की वो एक्टिंग इस मूवी में, अनन्या पांडे ने भी बढ़िया एक्टिंग की, और ओवरऑल देखा जैसे कॉमेडी भी तकड़ी हुई है। और मेरे हिसाब से तो 10 out of 7 7 देने चाहिए। बाकी बहुत अच्छे से पंचेज है, एंडिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इंटरवल में जो क्लाइमैक्स था उसको भी बढ़िया निकाला उन्होंने, और जो क्लाइमैक्स था और मतलब था कि बढ़िया तगड़ा क्लाइमैक्स था। देखिए मूवी शो ख़त्म हो गया है और देख के आ गया मज़ा, और रात के बच गए 12:45 मिनट, और हम लोग देखिए खुद शट आउट उठाना पड़ रहा है। हाँ, इनको शट आउट उठाना पड़ा, उनको शट आउट उठाने में बहुत मेहनत भी पड़ेगी और मज़ा भी आने वाली है। हम लोग को तो पार्किंग चलना था ना, पार्किंग नहीं है ये गधा। क्यों भाई, नीचे पार्किंग में जाना कैसे जाएंगे? लिफ्ट से कौन सा जाएगा? लिफ्ट तो जीरो तक जा रही है। जीरो तक ही जाना था, आ गई हूँ। आगे माइनस एक में है, नहीं है। नहीं है। तो हम लोग पार्किंग के कैसे जाएंगे भैया? मॉल में घूम के बाहर से? हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक, थैंक यू भाई। अच्छा पहले हम लोग को जाना पड़ेगा बाहर, ये शटर जिस तरह हमने खोला रात के 12:45, समझ रहे इतने अच्छे दिन मान लो या बुरे दिन मान लो, पूरा बड़ा खाली। यह नहीं पीला रहा कि क्या है, यह पीला रहा ठीक है, कोई बात नहीं हम सूट कर ले। ये फील आ रहा है कि जैसा कि हम लोग दुकान बढ़ा के जा रहे थे। तो देखिए ये है, सारा गंज बंद हो चुका है, 1 बजे का समय, हम और मौसी मस्त जा रहे हैं। पार्किंग देखते हैं हमारी पार्किंग का, हमको यही नहीं पता, और शायद ये पार्किंग, हाँ देखते हैं। हाँ ये तो है, वो है
इमरजेंसी गेट हम लोग को मिलेगी थी हमारी पार्किंग में। फेमस की इमरजेंसी गेट देखते हैं मौसी का आइडिया कितना सही रहता है। ये सही है इस तरह हम लोग निकले पार्किंग में। अब हम लोग घूमते अपनी कार क्योंकि ये अपनी प्यारी जिसका नाम नहीं रखा वैसे अपने हाँ ऊपर है इसका नाम आज से प्यारी हो गया। चलिए तो फिर हम लोग बैठते हैं कार जाते हैं घर क्योंकि टाइम हो गया 1 बज गया। आगे देखते हैं व्लॉग शूट करने लायक कुछ होगा तो दिखा देंगे आपको। और तब तक गेट खोल गया खोलो से और ये गेट खुल गया हम गए हैं बैक। फाइनली हम लोग को हमारी कार मिल गई और हम लोगों ने लगा लिए सीट बेल्ट। अब हम लोग जा रहे हैं खुला हुआ मॉल सभी लोग देख लेते हैं पर बंद मॉल वो कभी कभार ही ऐसा नसीब होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे क्यों सीट ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद की दुकान बढ़ा के आ रहे हैं। आप मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप ये लोग मूवी जरूर देखिए बहुत ही अच्छा है ड्रामा है प्यार है फाइटिंग है सब कुछ है मिक्स है सारी चीजें एंटरटेनमेंट अच्छा है और आप जरूर से जरूर देखिए हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आई है। एक शब्दों में पूछना चाहेंगे मौसी से पैसा वसूल की नहीं नहीं पैसा तो वसूल है पैसा वसूल तो बिल्कुल बिल्कुल पैसा वसूल है और एक्टर इतने अच्छे अच्छे हैं डायरेक्टर भी इतने अच्छे हैं जिन्होंने इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है और लास्ट की एंडिंग बढ़िया तगड़ी की कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त मुझे तो अनन्या पांडे बहुत प्यारी लगी। अच्छा मौसी देखो अनन्या पांडे की फैन है तो बहुत सारे मैं चंकी पांडे की फैन हूँ उनकी बेटी की भी फैन हूँ। अरे वाह मौसी दोनों की फैन है और एज यूजुअली आप जानते हैं अभिजय देवगांडा के फैन कौन नहीं होगा। हाँ मैंने देखा उनको आज मौसी ने फर्स्ट टाइम देखा तो उनका एक थोड़ा कम मुझे WWE में कम इंटरेस्ट है। अच्छा यार हजरतगंज कौन सा सहारागंज नहीं सहारागंज मॉल में यह सिस्टम सही है यहाँ पर पहले पैसे नहीं लिए जाते हैं बाद में आप दीजिए पेमेंट। अब हम लोग जब बाकी जगह मैं जहाँ भी गया हूँ लोग कानपुर में तो पहले पैसे दीजिए पर्ची कटाइए उसके बाद पार्किंग अब यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं तब हम लोगों ने पैसे दिए ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इनोवेटिव लगी अच्छी लगी इन्हें भरोसा है कि नवाबों का शहर है और यहाँ नवाबगिरी बहुत अच्छे से होती है स्वागत भी बहुत अच्छे से। हाँ इस बात पे एक चीज़ याद आया उसे हम लोग जब फोटो खींच रहे थे तो एक बंदा समझिए मतलब हम लोग फोटो 2-3 मिनट तक खींचते रहे और वो बंदा तब तक खड़ा रहा उसने क्रॉस नहीं किया हम लोगों की हम लोग की फोटो खराब हुआ। तो मौसम जैसा कहा कि नवाबों का शहर और तहसीब कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर तो वो देखने को मिला भी और भरोसा भी है अपने यहाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पैसे मतलब बाद में पैसे तो अपने यहाँ पहले पैसे तो बाद में ही एंट्री मिलती है। कानपुर इतना भी बुरा नहीं बट थोड़ा सा नहीं बुरा नहीं नवाबों का कुछ ले लेके लखनऊ से कानपुर बहुत दूर नहीं है 100 किलोमीटर दूर है पर 100 किलोमीटर में बहुत कुछ चीज सीखा जा सकता है। पानी चेंज हो जाता है आवाज चेंज हो जाती है बहुत सारी चीजें चेंज में पर यह अच्छा लगा ये चीज काफी अच्छी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की तहजीब यहाँ का स्वागत यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत एंजॉय हम लोगों को भी बहुत कराया। आज का पूरा दिन मतलब पूरी नाइट आउट बढ़िया रहा हम लोगों का और अगर कुछ और मिलता है तो हम दिखाते हैं तब तक के लिए मिलते हैं छोटे गुड नाइट आप सभी को सुप्रभात आप एंजॉय कीजिए बाय अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मुझे अरे प्रमोशन रहेगा प्रमोशन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है मूवी के एक पॉइंट को लिखना पड़ता है पॉइंट नोट करना पड़ता है। हम देखिए मैं ड्राइव भी कर रही हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सारा फोकस उसी पे है ड्राइव भी करना है मूवी भी देखना है एंजॉय भी करना है आपको बताना भी है उसको समझाना
सारी चीजें बहुत मेहनत पड़ती है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने अपना और अपने को ख्याल